ट्रेडिंग डे टुडे, कितने कितने लोगों ने प्रॉफिट कमाया आज बताइएगा। तो निफ्टी में हमने कल जो प्रेडिक्ट किया था कि जहाँ से निफ्टी नीचे आनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली वहाँ से नहीं आई। 350 के आसपास हमने प्रेडिक्ट कर लिया था कि यहाँ पे डाइवर्जेंसेस हैं और होपफुली आज निफ्टी नीचे ही आना चाहिए था, बट मॉर्निंग में ही निफ्टी शार्प गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद से ज़्यादा ऊपर तो नहीं गया और ज़्यादा नीचे भी नहीं गया देखा जाए तो, बट एक रेड कैंडल फॉर्म हुई है आज, राइट। सो देखते हैं कैसा ये डेली चार्ट्स पे काफ़ी ह्यूज गैप अप है। 336 के अराउंड हमारी क्लोजिंग थी और ओपनिंग हमारी थी 559 के अराउंड, तो यहाँ पे 200 पॉइंट्स से भी ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ है और 559 के बाद ये क्लोज होते होते अप्रॉक्सीमेटली 60 पॉइंट्स नीचे क्लोज हुआ है। ऑल राइट, तो हम बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। 1 आवर के चार्ट में अगर आप देखते हैं, सॉरी फॉर द बैड थ्रोट अगेन, 1 आवर के चार्ट में देखते हैं तो हमें यहाँ पे एक अच्छा रिजेक्शन मिला हुआ है 16600 के लेवल्स के आसपास, और ये हमें यहाँ पे एक हैमर बना हुआ है और उसको ये कंफर्म करवा चुका है ये पैटर्न। उसके बाद लेट्स फिगर आउट कि अब क्या हो सकता है। अब पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे दोबारा से ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए आए यहाँ पे मार्केट। ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने का मतलब है अभी हम ट्रेंड लाइन से काफ़ी पीछे हैं। जब हम ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आएंगे तो हमारे की लेवल्स जो रहेंगे यहाँ पे, सबसे एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो फिलहाल सामने है 16400 का है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, 16200 के अराउंड एक बहुत बढ़िया सपोर्ट थी। 16200 का है यहाँ पे, तो उम्मीद है कि इस बार हम 16200 के आसपास तक रिट्रेस करने आएंगे, फिर यहाँ से हो सकता है हम दोबारा से बाउंस बैक कर जाएं। अगर हम देखें कि इस वक्त SGX निफ्टी कैसे बिहेव कर रही है, तो SGX निफ्टी भी गैप डाउन ही ओपन हुई, नीचे जाते जाते थोड़ा सा ऊपर एक बाउंस दिया, उसके बाद से अभी कॉन्टिन्यूसली नीचे ही चल रही है। 16458 के लेवल हैं करंटली और हम क्लोज हुए हैं 16495 के आसपास, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स हम नीचे हैं फिलहाल। आई एम सॉरी, US मार्केट की बात करें तो US मार्केट्स भी थोड़ा सा आज डिप लेने के मूड में है, राइट। सो 31, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, 31700 के लेवल्स हमने कल बोले थे जो कि बहुत ही ब्रिलियंटली क्रॉस हो गए। उसके बाद 32000 तक US 30 हमारे गए हैं, उसके बाद ये डिप लेना शुरू कर रहे हैं यहाँ पे, तो आज सुबह से ही मार्केट यहाँ पे डिप मोड में ही है। सॉरी अगेन, राइट। तो कल का दिन एक्सपायरी का दिन है और उम्मीद यही है कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग के साथ हमको 16400 के बाद 16200 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सो बी वेरी केयरफुल, अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो भी आप बहुत 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 ध्यान रखिए। बीच में किसी लेवल पे अगर सपोर्ट है, फॉर एग्जांपल 16300 पे, और यहाँ पे आपको कोई रिवर्सल पैटर्न दिखते हैं, तो प्लीज़ स्टॉप एंटरिंग इनटू शॉर्ट पोजिशन एंड डू नॉट जस्ट बाय इमिडिएटली। पहले मार्केट का चाल देखिए कि मार्केट किस तरफ जाना चाह रही है, इस सपोर्ट को रिजेक्ट कर रही है या इस सपोर्ट को सपोर्ट लेके ही ऊपर निकल रही है। उम्मीद तो ज़्यादातर यही है कि 16200 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, बट हु कैन टेल फॉर श्योर। आपको अपना ऐसे लगा के ही काम करना है, राइट। ये तो ये थे निफ्टी के लेवल्स। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम कैंडल फॉर्म हुई है, डेली चार्ट पे रिजेक्शन मिला है, ह्यूज गैप अप था, वहाँ से नीचे आके क्लोजिंग दी है। 1 आवर के चार्ट में ट्रेंड लाइन अगर हम लगाते हैं तो ये ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से लगेगी। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे जो हमारे ऑब्वियस लेवल्स बन रहे हैं ट्रेंड लाइन टेस्ट होने के, 35400 के अराउंड बन रहे हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल एट दीज लेवल्स। यहाँ पे अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है, गो फॉर इट। एंड अगर मार्केट स्टिल, वैसे तो उम्मीद कम है कल ऊपर की साइड निकलने की, बट अगर निकलता है तो जो इसका 36100 के आसपास जहाँ से रिजेक्शन मिला है वो एक रेजिस्टेंस एरिया है, 36000, सॉरी 36280 के आसपास है, और नीचे की साइड अभी हम 35900 के अराउंड है,
नीचे की साइड हम बात करें तो की सपोर्ट एक 35,600 के पास है। 600 क्रॉस होने के बाद 400 पे हम नज़र रखेंगे। राइट, सो दिस वाज बैंक निफ्टी। राइट, सो एक टिप ऑफ द डे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, वो है डीएलएफ की। डीएलएफ काफ़ी टाइम से काफ़ी बुलिश है। अगर हम इसकी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ये ट्रेंड लाइन थोड़ी गलत है इस तरीके से। राइट, सो अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें पता लगता है कि यहाँ पे एक ट्रेंड का ब्रेकआउट ब्रेक हो चुका ट्रेंड, और उसके बाद यहाँ पे एक सक्सेसफुल रीटेस्ट भी हो चुका है। इस तरीके से अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ये एक फ्लैग भी दिखाई देगा। तो यहाँ पे अच्छा एक फॉल आने के चांसेस हैं डीएलएफ में। अगर हम इसको एक छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो भी ये एक अपवर्ड मूविंग फ्लैग है, और इसका ब्रेकआउट यहाँ पे आज हो चुका है। उसके बाद ये रीटेस्ट करने गया, रीटेस्ट भी हो चुका है। तो आप यहाँ पे 355 पे डीएलएफ को शॉर्ट कर सकते हैं, और अगर आप लंबा होल्ड करना चाहें तो इसको आप मिनिमम 330 के टारगेट्स के लिए होल्ड कीजिए। राइट, सो दिस वाज आर टिप ऑफ द डे। निफ्टी बैंक निफ्टी का हमने एनालिसिस कर लिया है। उम्मीद है कि कल हमें 16,200 के लेवल्स जल्दी देखने को मिलेंगे। तो अभी देखा जाए तो एसजीएक्स निफ्टी ऑलरेडी 16,400 के आसपास ट्रेड कर रही है। सो इफ़ यू आर होल्डिंग योर बाइंग पोजिशन, और इफ़ यू कैन अफोर्ड 16,200 के लेवल्स देन स्टे ऑन दैट, इफ़ यू कैन नॉट देन स्क्वेयर ऑफ एंड गो शॉर्ट। राइट, आई होप यू हैव अ गुड ट्रेडिंग डे टुमारो। ऑल द बेस्ट।